हे गाइस, अंकिता घोष ब्लॉग में सभी को स्वागत है। आज सुबह का भी सुबह का 10 बज रहा है, तो आज ईद है, तो हम लोग ईद में घूमने निकल गए हैं। देखते कहाँ जाते हैं, घूमते हैं। और गाड़ी भी आज पहला सर्विसिंग करना है। चलिए, क्या क्या हम लोग आज करते हैं जो आप लोग को दिखाते हैं, आप लोग देख के इंजॉय कीजिए, लाइक एवं शेयर करें। आज का मौसम काफी अच्छा है, एकदम धूप नहीं है और ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, तो बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि कल तो बारिश नहीं हुआ, परसों बारिश हुआ था, तो शायद आज भी कहीं बारिश हो रहा होगा, इसलिए मौसम इतना अच्छा किया हुआ है। एकदम धूप भी नहीं है, एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, थोड़ा सा धूप है, थोड़ा थोड़ा बादल किया हुआ है, तो वह काफी अच्छा लग रहा है। मेरा सोना का गाड़ी सर्विसिंग में आ गया है, तो सर्विसिंग में लेके जा रहे हैं, तो आ गए हैं भैया, सर्विसिंग होगा, अंदर में लेके गए हैं गाड़ी भैया, काफी गाड़ी सर्विसिंग हो रहा है। गाड़ी हम लोग सर्विसिंग में दे दिए हैं, अभी जा रहे हैं हम लोग शॉप में आरसी बुक लेने के लिए। सनी भी आने वाला है, उसको भी सर्विसिंग कराना है, तो हो रहा है तो वो आया अभी तक नहीं है, अभी आ जाएगा। उसके बाद देखिए, सन्नी भी आ चुका है, अब सन्नी का भी बाइक सर्विसिंग के लिए जाने वाला है। मेरा सोना का बाइक जो है वो मतलब हो रहा है, सर्विसिंग में है, और वो सन्नी का बाइक की सर्विसिंग में जाने वाले है, चेक कर रहा है। हम यहाँ बैठ के बोर हो रहे हैं, सुनो, यहाँ दिखा आपको, दिखा, यहाँ बैठ के हम बोर हो रहे हैं, क्या करें, बैठे हुए जस्ट, पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है, पता नहीं, बैठे हुए। देखिए, सन्नी का जो गाड़ी है कितना गंदा है, आप लोग पहले देख लिए है, और उसको साफ करने के लिए मतलब लेके गए हैं। वॉश करने का बाद वो निकलेगा, उसके बाद सर्विसिंग करने का निकलेगा, तब देख लीजिए कितना न्यू हो जाएगा, कितना दिन से वो धोया भी नहीं है, गंदा तो पता नहीं कितना है, बहुत गंदा है, लगा बहुत ज्यादा गंदा है। देखिए, सन्नी का गाड़ी का क्या हालत है, सब पुर्जा खुल गया है, क्योंकि बहुत सारा पार्ट नया लगने वाला है, क्योंकि वो खराब हो गया है, तो अब बन के फिर पूरा न्यू होने वाला है। बहुत दिन से सनी सर्विसिंग नहीं करवाया गाड़ी का, सनी है कि अपना गाड़ी का बहुत दिन से सर्विसिंग ठीक से करवाया नहीं, तो बहुत दिन के बाद सर्विसिंग हो रहा है, तो पूरा गाड़ी को खोल खाल के पूरा पुर्जा खोल दिया है, और नया खुल गया है, नया पार्ट्स लगने वाला है, और अभी हम लोग को पता नहीं कितना टाइम होगा, अभी आए थे हम लोग, कितना बजे, कितना टाइम हो रहा था, 10 बज रहा था तब आए, मेरा सोना का गाड़ी सर्विस हो चुका है, वो कम्प्लीटली क्लीन हो चुका है, और अभी सनी का देरी, अभी 1 बज चुका है, पता नहीं कितना टाइम हम लोग लगेगा यहाँ पर, हम लोग कहीं और जाने वाले थे, मतलब कोई और जाने वाले थे, बट अभी जा नहीं पाएंगे हम लोग, क्योंकि इतना लेट जो हो गया है, और देखते हैं क्या किया जाता है, घर जाने में भी काफी लेट हो जाएगा।
हम लोग जब आए थे तो ज़्यादा धूप भी नहीं था, छाव था, बादल किया हुआ था, तो अभी बहुत ज़्यादा धूप भी है बाहर में। देखिए मेरा सोना का जो गाड़ी है वो सर्विसिंग कंप्लीट हो चुका है, ट्राइफंड भी कर लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल बैठ जाता है गाड़ी में, क्योंकि यहाँ पर डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा है तो धूल भी बहुत ज़्यादा बैठ जाता है। तो सोना का गाड़ी में ट्राइफंड भी करवाया क्योंकि धूल ना बैठे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डस्ट है यहाँ पर, पहले भी आप लोग को बता दिए थे, तो उसके कारण से करवाया कि धूल ना बैठे, थोड़ा सा कपड़ा से पोंछने से वो चला जाए। सोना हम लोग के लिए मिनी पिज्ज़ा लाने के लिए गया है। हम लोग तो अभी तो कुछ गुपचुप खाए थे, बट अभी पेट भर के कुछ भी नहीं खाए हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगा है मुझे। शाम का 5:30 बज चुका है, अभी पेट भर के हम कुछ भी नहीं खाए हैं, बहुत ज़्यादा हमको भूख लगा है, ऐसा लग रहा है कि चक्कर खा के हम गिर जाएंगे, चक्कर खा के गिर जाएंगे, इसीलिए सोनापुर तो चलो बैठ के खाते हैं वहाँ पर। तो हम लोग पिज्जा लिए हैं, वही खा रहे हैं, अभी 5:30 बज चुका है, बहुत ज्यादा भूख लग गया, अब फिर जाने में भी अभी आधा घंटा लगेगा हम लोग को, इसीलिए हम लोग खा ले रहे हैं। हम लोग अभी ये सब खाते नहीं क्योंकि बाबू को खाना मना है, तो हम लोग को खराब लगता है, बट इतना भूख लगा है तो हम लोग खा ही लेते हैं, क्या करेंगे, है कि नहीं। बाबू के चलते हम लोग खाते भी नहीं हैं, पहले भी एक बार आए थे तो हम नहीं खाए थे हम लोग, क्योंकि खराब लगता है, वो नहीं खा पाएगा, इसीलिए खाए भी तो नहीं है। बहुत ज्यादा भूख लगा, आप लोगों ने भूख लगा, आप लोगों ने भूख लगा, आप लोगों को वीडियो नहीं देखते, हम लोग वीडियो नहीं देखते। हमको बहुत अच्छा भी लगता है, हम तो 5 बजे जाते हैं, 3 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास खाएं, हे गाइस, अभी हम लोग 6 बजे घर पहुँचे, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था हम लोग को, तो अभी जस्ट हम नहा करके नहाए आ करके नहा लिए, बहुत मतलब पूरा हम नहा के भी नहीं गए थे, तो इसलिए हम आके नहाए, उसके बाद गोपू को जो रात का जो भूख लगता है वो हम किए, गोपू को सुलाए, उसके बाद अभी थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का कपड़ा हम पहन लिए, हमको जाने का एकदम मन नहीं था, सर में बहुत दर्द था कि दिन भर हम बाहर में थे धूल मिट्टी में, तो अभी अभी जा रहे हैं बगल में एक जन का घर, तो ईद के लिए उनको इनविटेशन किया है, तो वही हम जा रहे हैं, मेरा सोना जा रहा, वो मेरा सोना गया था बाहर में, मतलब स्टूडेंट का घर, 2-3 जन का घर गया था, तभी जस्ट वो आया, अभी हम जा रहे हैं उसके साथ। कैसे लग रहे हैं हम, बढ़िया लग रहे हैं, इससे ज्यादा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहे हैं? बहुत ज्यादा लेट हो गया, हम लोग 6 बजे घर में आए, तो जस्ट अभी थोड़ा देर पहले हम नहाए, नहा के गोकू को दिए, और थोड़ा सा लेटे हुए थे, बहुत थकान महसूस हो रहा था, और मेरा सोना गया था एलमोन को लेकर के उसका स्टूडेंट का घर ईद मनाने के लिए, ईद मनाने गया था, तो अभी हम जा रहे हैं बगल में, हम लोग का ब्लैक हमें, तो हम लोग जा रहे बगल में ही, वो लोग बहुत ज़्यादा बोले हैं कि जिद किए कि आप लोग आने के लिए, हमको तो जाने का एकदम मन नहीं था, हम पूरा थक गए थे, थक ओ तभी बाहर आए थे तारे, थक गए हैं, तभी इतना बोलने के बाद हम जा रहे हैं कि खराब ना लगे, इसलिए हम लोग जा रहे हैं, मामून भी आ गया दुकान से, तो हम लोग जा रहे हैं अभी बगल में जो है उनके घर में ईद मनाने, तो चल तुमको भी देखिए ईद के लिए कितना सारा बना के रखी, देखिए
बाप रे बाप, पहला पार्टी खत्म हुआ है, दूसरा पार्टी पूरा एकदम भर के रखे ना भाभी, इतना सारा चीज इस बार, इतना सारा चीज भाभी, अरे बाप रे, रात में नहीं खाना खाएंगे सीधे साथ का, ये हल्का फुल्का है, भारी भरकम है। बाप रे, देखो बाप रे बाप, पहले छोला फिर कस्टर्ड, अभी पता नहीं क्या है, पहले छोला खाए फिर कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड, अब देखिए दही बड़ा, शॉर्ट्स, अरे बाप रे बाप, अभी और भी बाकी है, बोल रही है भाभी।